हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं साइज ऑफ ऑपरेटर और टाइप डेफ कीवर्ड। तो दोनों को समझते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले तो ऑपरेटर लिखा हुआ है साइज ऑफ के पहले, तो ये इसे ऑपरेटर क्यों कहा जाता है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। प्लस ये एक ऑपरेटर है, माइनस ये एक ऑपरेटर है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनमें से मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखे हैं। तो किसी भी ऑपरेटर को अगर आपको यूज करना है तो ऑपरेंड्स भी लिखने पड़ेंगे। जैसे ए प्लस बी आप लिख सकते हो, तो ए एक ऑपरेंड है, बी भी एक ऑपरेंड है। ए प्लस बी मतलब एक ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको ऑपरेंड्स लिखने पड़ेंगे। और आप कितने ऑपरेंड्स लिख रहे हैं? दो। दो ऑपरेंड्स जब आप लिखोगे तो इसे बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि उसे दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ रही है, ये दो। अच्छा, अगर मैं लिखूं माइनस ए, अब अगर ए 5 है तो माइनस कर देने की वजह से माइनस हो गया। इसे बोला जाएगा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर तो वैसे तो एक यूनरी ऑपरेटर है और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर है। तो उसी तरह से साइज ऑफ, ये भी एक ऑपरेटर ही है। साइज ऑफ अगर आप लिखते हो तो आपने एक ऑपरेटर लिखा है, साइज ऑफ, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। मैं यहाँ लिखता हूँ यूनरी, मतलब इसको एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख के बताता हूँ। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा साइज ऑफ, ये तो एक ऑपरेटर है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इंट। इंट क्या है ये? इंट हमारे पास इस समय है एक ऑपरेंड। इंट एक ऑपरेंड है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इंट एक ऑपरेंड है, आप लोग देख सकते हो। और साइज ऑफ, ये एक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, और एक ऑपरेंड कौन सा है? इंट। तो मैं साइज ऑफ फ्लोट भी लिख सकता हूँ, डबल भी लिख सकता हूँ। अगर आपको कैलकुलेट करनी है इंट की साइज क्या है तो आप इस तरह से प्रोग्राम में साइज ऑफ इंट लिख सकते हो। अगर आपको चेक करना है फ्लोट की साइज क्या है तो आप सिंपली प्रोग्राम में लिख सकते हो साइज ऑफ फ्लोट। अगर आपको चेक करना है साइज ऑफ कैर, किसकी भी साइज आप चेक कर सकते हो, मशीन के हिसाब से उसकी साइज होती है किसकी, इस ऑपरेंड की, इस डेटा टाइप की। हमेशा साइज ऑफ के साथ जो ऑपरेंड होता है वो एक डेटा टाइप होता है। मशीन अगर आपका 32 बिट का है तो इंट की साइज अलग होगी, मशीन अगर आपका 64 बिट का है तो इंट की साइज अलग होगी। तो ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अभी प्रोग्राम में आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से साइज ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, कोड ब्लॉक्स। नॉर्मली सी का प्रोग्राम हमेशा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ वॉइड मेन। अच्छा, मुझे ये समझना है कि साइज ऑफ क्या है। साइज ऑफ मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक ऑपरेटर है जिस तरह से प्लस एक ऑपरेटर होता है। तो मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, किसकी साइज? मुझे चेक करनी है इंट की साइज क्या है। ये जो इंट मैंने लिखा है ये एक ऑपरेंड लिखा है, ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड लिखा जाता है। अच्छा, तो इसे प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिखता हूँ परसेंट डी, और कॉमा कर देता हूँ और लिख देता हूँ साइज ऑफ इंट। मतलब अब हमें पता चलेगी कि साइज क्या है इंट की। तो मैं इसे रन करता हूँ, एक नंबर हमें जनरेट होगा। जब भी साइज ऑफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, ये एक ऑपरेटर है, तो वो एक नंबर जनरेट करता है। तो इस मशीन के अंदर इंट की साइज क्या है तो चेक करते हैं। मैं यहाँ से इस पे रन करता हूँ, तो प्रिंट, यहाँ पे बिल्ड एंड रन। तो आप लोग देख सकते हो साइज आ रही है 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब इंट की साइज है 4। तो इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस सेम लाइन को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और लिखता हूँ कंट्रोल वी, फिर से लिखता हूँ कंट्रोल वी।
अब मैं यहाँ पे इंट की जगह लिखता हूँ फ्लोट। फ्लोट की साइज मुझे चेक करनी है और उसके बाद मुझे यहाँ पे चेक करनी है कैर की साइज। अब मैं इसे रन करता हूँ तो पहला नंबर जो प्रिंट होगा वो 4 आएगा। देखते हैं फ्लोट की क्या साइज है। तो यहाँ पे मैं बिल्ड पे जाता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो आप लोग देख सकते हो 4, फ्लोट की भी साइज 4 है और कैरेक्टर 1 है। तो ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि डेटा टाइप्स की साइज क्या है। अगर मशीन आपका अलग बीट का है तो अलग साइज बताई जाएगी। तो इस तरह से ये करना। अच्छा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड है टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या है? तो टाइप डेफ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप डेफ कीवर्ड, ये कीवर्ड देखो ब्लू कलर में हो गया। नॉर्मली किसी भी कीवर्ड को अगर आप लोगों को कोड ब्लॉक्स में पहचानना है तो आप उस कीवर्ड को लिखो, अगर वो ब्लू कलर में हो गया तो वो एक कीवर्ड है। देखो इफ, ये भी एक कीवर्ड है। एल्स, ये भी एक कीवर्ड है। तो इसके अलावा गो टू लिख के चेक करता हूँ, हाँ गो टू भी एक कीवर्ड है। तो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और सी प्लस प्लस में 48, जो 16 नए आए हैं। वॉइड भी एक कीवर्ड है, भले डेटा टाइप है लेकिन एक कीवर्ड भी है। इंट भी एक कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो टाइप डेफ का यूज़ क्या है, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ इंट ए। इसका ये मतलब है कि मैंने एक मेमोरी बना ली है ए नाम की। जैसे बताता हूँ आप लोगों को, तो ये मैंने किया है, एक मेमोरी बना ली है ए नाम की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह लिख दूँ इंट वन, तो मैंने सिर्फ मेमोरी का नाम चेंज कर दिया है और उस मेमोरी का नाम मैंने रख दिया है यहाँ पे इंट वन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेमोरी का नाम इंट वन है, और वो कौन से टाइप की है, वो तो इंट टाइप की है, लिखा है ना मैंने इंट, मतलब मैं इसमें नंबर्स रख सकता हूँ। तो आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया है इंट वन। तो ये भी आप लोगों को समझ गया, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं लिखूँ टाइप डेफ, यहाँ टाइप डेफ, इसका मतलब ये है कि मैंने टाइप डेफ लिख दिया है, मतलब टाइप डेफ इंट और उसके आगे लिख दिया है इंट वन। मैं इंट का नाम बदल के रख देना चाहता हूँ इंट वन। अब मैं लिख सकता हूँ इंट वन ए। इसका ये मतलब है कि मैंने एक ए नाम की मेमोरी बनाई है जो इंट वन टाइप की है। इंट वन का मतलब ही इंट होता है। जब आपको किसी डेटा टाइप का एक और नाम रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हो। आप चाहो तो इसका नाम इंटीजर भी रख सकते हो। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीजर ए। इसका ये मतलब है आपने एक मेमोरी बना ली है जिसका नाम आपने रखा हुआ है यहाँ पे ए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपने उस मेमोरी का नाम रखा है ए, जो है इंट टाइप की। इंटीजर टाइप का मतलब ही इंट होता है। तो मैं यहाँ इंट लिखता हूँ, क्योंकि आपने ऊपर बताया ना, जब किसी डेटा टाइप का एक और नाम रखना है आपको तब आप टाइप डेफ का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो लिख सकते हो टाइप डेफ कैर, कैर का नाम रख सकते हो आप सी। तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा सी बी, मतलब आपने बी नाम की मेमोरी बना ली है जो सी टाइप की है। सी का मतलब ही होता है कैर। तो प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम में इसका ये मतलब होगा कि आपने एक मेमोरी बना ली है जो है बी नाम की और जो है सी टाइप की। सी का मतलब क्या है, कैर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और इस तरह से टाइप डेफ का यूज़ कर सकते हो। मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, एडवांस डीएस, डेटा स्ट्रक्चर, इसके अलावा जावा, पाइथन, उसके बाद एडवांस जावा, सी प्लस प्लस, तो सबके ऊपर मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस देखने को मिल सके। और आपको कोई भी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो आप, और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा ये मेरा फेसबुक पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।